हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पेरिटोनाइटिस। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, आइटिस मींस इन्फ्लामेशन एंड पेरिटोनियम की इन्फ्लामेशन को बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। सो इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम इज नोन एज पेरिटोनाइटिस। फिर हम इसके पढ़ते हैं इटियोलॉजी, यानी इसके कॉजेज क्या है, पेरिटोनाइटिस होता क्यों है। पहला है परफोरेशन ऑफ ड्यूओडेनल या गैस्ट्रिक अल्सर। जो गैस्ट्रिक अल्सर है या ड्यूओडेनल अल्सर है, अगर वो परफोरेट हो जाए तो जो भी इंटेस्टाइनल या स्टमक का जो भी कंटेंट है वो बाहर आएगा और इन्फेक्शन कर देगा, तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। सेकंड है पेनिट्रेटिंग इंजरी हो, कोई इन्फेक्शन हो जाए, स्प्लीन रप्चर हो गया, या पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेरिटोनाइटिस हो सकता है, या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके कॉज, मतलब इटियोलॉजी के। फिर आता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, मेनली स्ट्रेप्टोकोकाई, ई कोलाई या न्यूमोकोकाई जो है वो इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। साइन एंड सिम्टम में पेशेंट में क्या मिलेगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन मिलता है, ठीक है, सीवियर एब्डोमिनल पेन मिलेगा। फिर उसके बाद टैकीकार्डिया मिलेगा पेशेंट में और फीवर विथ चिल और ब्लमबर्ग साइन जो है वो पॉजिटिव मिलता है, मतलब रिबाउंड टेंडरनेस मिलती है और गार्डनिंग एंड रिजिडिटी ऑफ द एब्डोमिनल मसल, नोजिया और वॉमिटिंग मिल सकता है पेशेंट में और पैरालिटिक इलियस मिल सकता है, जो यानी हमारे जो इंटेस्टाइन है उसकी बिल्कुल पैरालिसिस, यानी उसमें पेरिस्टेल्सिस है वो जो नहीं हो रही, तो उसको बोलते हैं पैरालिटिक इलियस। फिर एब्डोमन जो है वो डिस्टेंडेड होगा, ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, टेकीकार्डिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पैरालिटिक इलियस, ब्लमबर्ग साइन पॉजिटिव मिलता है, सीवियर एब्डोमिनल पेन है और गार्डनिंग एंड रिजिडिटी ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स। फिर आते हैं इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, यानी क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो पहले नॉर्मल सीबीसी कराते हैं, ठीक है, सीबीसी के बाद फिर हम कराएंगे पेशेंट का एक्सरे कराएंगे और एब्डोमिनल जो है वो यूएसजी कराएंगे, सीटी स्कैन करा सकते हैं। और इसमें जो है वो, क्योंकि इसमें सिम्टम ऐसे ही मिलते हैं जो हमारे पेनक्रेटाइटिस में मिल रहे थे, तो इसलिए हम उसको रूल आउट करने के लिए कि पेनक्रेटाइटिस तो नहीं है, इसके लिए हम सीरम एमाइलेज लेवल चेक करा लेते हैं, क्योंकि सीरम एमाइलेज लेवल पेनक्रेटाइटिस में बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको रूल आउट करने के लिए हम कराते हैं। फिर आते हैं इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम, पहले कराएंगे एफ, जो मैंने आपको बताया था पहले पेनक्रेटाइटिस में भी, ए फोर क्या करेंगे, एस्पायरेशन, मतलब नेजोगेस्ट्रिक एस्पायरेशन करेंगे। ए फोर एस्पायरेशन। फिर आता है बी, बी फोर क्या करना है, हमने बाउल की केयर करनी है, यानी जैसे अगर उसको परफोरेशन हो गई है तो उसको कुछ खाने को नहीं देंगे, निल बाय माउथ रखते हैं पेशेंट, उसके बाउल की केयर करनी है हम भी। फिर आता है सी, सी फोर क्या करनी है, हमने चार्टिंग करनी है, यानी टीपीआर बीपी चार्टिंग करनी है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और उसका बीपी है जो ब्लड प्रेशर है, उसकी चार्टिंग करते रहनी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा जो वो डी फोर ड्रग्स। ड्रग्स में जैसे हम पेशेंट को क्या देते हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है, तो उसको हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, जैसे एम्पिसिलिन या सिफेलोस्पोरिंस देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ई फोर एमरजेंसी लेप्रोटमी करनी पड़ जाती है कि परफोरेशन हो गया या पेनिट्रेटिंग इंजरी है, तो उसके लिए एमरजेंसी लेप्रोटमी। और एफ फोर होते हैं हम फ्लूइड करेक्शन करते हैं, फ्लूइड देते हैं पेशेंट को। और उसके अलावा अगर ज्यादा ही ब्लड लॉस हो गया, यानी इंजरी की वजह से हो रहा है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक पेरिटोनाइटिस। थैंक यू।